अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातु बिस्मिल्लाह रहीम। आज हम कोकनी डिश ओतल बना रहे। हाँ, और किसी की रिक्वेस्ट है इसलिए बना रहे। जो आप रिक्वेस्ट करते ना, उसका नाम हमारे गांव में अलग है, तुम लोग के गांव में अलग है। तो जरा नाम सही बताओ तो हम बना के बताएंगे। ये देखो, ये एक कांदा हमने चॉप करके लिए, एक चम्मच नमक लिए, आधा चम्मच हल्दी लिए, और ये एक कटोरी चावल धो के लिए। अभी इसको ये देखो फ्राई पैन में डाल के भुनेंगे इसको। इसको ओतल बोलते हैं। इसको एक कांदा गैस पे भून के लिए। ये 5-6 मिर्ची है और ये 1.5 चम्मच धनिया है, भुने इसको। एक चम्मच जीरा है और ये 2.5 चम्मच खोपरा है। सब भून के लिए अभी इसको पीसेंगे। ये देखो, ये अभी गैस पे भून रहा है जब तक हम इसको पीस रहे हैं। साथ में भी पीसेंगे तो भी चलेगा। देखो ये मसाला है। ये देखो चावल भून के हो गए, अभी चावल मसाला साथ में पीसेंगे। और ये देखो कोकम भी डालेंगे इसमें खट्टा लगने के लिए। कोकम डालो या अम्बुसी डालो या कैरी डालो, कुछ भी डालो लेकिन खट्टा डालो। इमली भी चलेगी। भुना हुआ कांदा छील के लिए इसको भी डाल रहे हैं अभी। अभी ये चावल डालेंगे, चावल डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, ऐसा घट घट इसको पीसेंगे। ये देखो अभी ओतल बना रहे हैं। इसको चूल्हे पे लेके भुनने का नहीं, इसको ऐसा हाथ से कलाते हैं। लेकिन किसी की ऐसी रिक्वेस्ट है कि हाथ से मत कलाओ, इसलिए हाथ से नहीं कला रहे। अभी एक चम्मच इसमें तेल डाल रहे, इसको ऐसा ऐसा एकदम ये करके मलने का हाथ से, लेकिन हाथ से नहीं कर रहे हम, चम्मच से कर रहे। ये देखो ये सब मिक्स हो गया, अच्छे से मिक्स करने का। कोकनी डिश है, इसको ओतल बोलते हैं। किसी की रिक्वेस्ट भी है लेकिन ऐसी बनाओ खाओ, इसमें खट्टा डालते ना तो बहुत टेस्ट आता। और एक लड़का मेरे को, लड़का या लड़की है मेरे को दादी बोलती है, तो वो बोलते हैं कि गांवटी मुर्गी पका के बता। तो इंशाल्लाह हम बताएंगे। अभी ज़रा महंगी है ना मुर्गी, थोड़ी सस्ती होगी ना तो गांवटी मुर्गी बताएंगे। और दूसरी बात है, एक लड़की हिंदू से मुसलमान हो गई, वो मुसलमान हो गई, उसको कुछ भी पकाने नहीं आता था। उसका आदमी कोकनी है, उसको कुछ पकाने नहीं आता था, उसको तकलीफ थी घर में। तो वो मेरी रेसिपी देखते 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 मेरी रेसिपी उसको मिली, तो अभी मेरा देख के पकाती है। और उसके आदमी, उसके सास उसको बहुत प्यार करते और मेरे को बहुत दुआ देती, ऐसा आप देखो और ऐसा देखो और ऐसा बनाओ। हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। वो लड़की मेरे को फ़ोन करके बताती है, कुर्ला में रहती है, बहुत अच्छी लड़की है, बताती है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि चलो मेरी वजह से कोई कम से कम सीखा तो सही। अभी ये कोकम डालेंगे। ये कोकम 1 घंटा पहले भिगाने का, हाँ तो हम भिगाने के लिए भूल गए थे, सॉरी। हाँ, आप भिगाओ तो भिगाएंगे ना तो अच्छे से ज़रा खट्टा लगेगा। हाँ, अभी ये हो गया। अभी देखो मसाला पीस के आ गया, चावल भी इसके अंदर ही छे। ये देखो अभी ये मसाला कलाएंगे, वो भी चम्मच से कलाएंगे। ये देखो अभी ये अच्छे से कला के हो गया। अभी ये पानी मसाले का हम लगा रहे हैं। अभी ये पानी लगाए, पूरा इसमें 1 लीटर पानी लगा। हाँ, 1 लीटर। अभी इसको गैस पे रखेंगे और पकने के बाद आपको बताते। इसको 10 मिनट लगेगा पकने के लिए। हाँ, अभी गैस, अभी इसको ना लेकिन घोटते रहने का। हाँ, इसको चावल की रोटी, ज्वारी की रोटी, बाजरे की रोटी, गेहूँ की रोटी सबके साथ खाती है। ये खट्टा तीखा रहता, बहुत टेस्टी लगता है। ऐसा बनाओ खाओ, कोकनी डिश है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। घोटते रहने का फास्ट गैस पे। ये देखो, हाँ 10 मिनट लगे घोटे, ढक्कन रखे, एकदम फर्स्ट क्लास तैयार है। अभी ये ओतल को हम सब करके आपको बता रहे। कोकनी डिश ओतल बन के तैयार है। ऐसा मेरे तरीके से बनाओ खाओ। अगर अच्छी लगी तो मेरे को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बताओ।